नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षकार। डालते हैं नजर आज की प्रमुख खबरों पर फटाफट अंदाज में। कानपुर कोतवाली में दिव्यांग लड़की ने जमकर किया हंगामा। दरअसल लड़की चौबेपुर से गायब हुई थी, पुलिस ने फिलहाल परिजनों को सौंपा। कानपुर के माती जिला मुख्यालय पर भारतीय दलित पैंथर का हंगामा देखा गया। निजीकरण का विरोध के साथ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। औरैया के भरतपुर में दुकान और मकान में चोरी का मामला सामने आया। कैमरा, लैपटॉप और नकदी लेकर चोर मौके से फरार हो गए। इटावा के भरथना में कन्नौज नेशनल हाईवे 91A के निर्माण को जल्द कराने को लेकर सड़कों पर व्यापारी बैठ गए। सांसद रामशंकर कठेरिया का भी घेराव किया। इटावा के जसवंत नगर में दबंगों ने की गर्भवती महिला की जमकर पिटाई। पुलिस ने भी नहीं सुनी गुहार, पीड़िता ASP ऑफिस के बाहर लेटी। फरखाबाद के शिव अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने गई महिला ने डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस मौके पर पहुंची। कन्नौज के काजीपुरा में आलू के दामों को लेकर हुआ विवाद, 12 लोग घायल, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। झांसी का आरी गांव बना आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण, झाड़ू लगाने के काम से है विख्यात। तो मुंबई सूरत जैसे गांवों में भेजी जाती है झाड़ू। IPL में सट्टा लगाने वाला किंग गिरफ्तार, गल्फ देशों तक फैला है नेटवर्क, एक लैपटॉप 6 मोबाइल फोन बरामद। कानपुर के चकेरी में पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 307 पेटी शराब पकड़ी गई। चित्रकूट में साधु संत और दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों की जिलाधिकारी शेषमणि पांडे के साथ बैठक। अमावस्या मेला, दुर्गा पूजा, विजयदशमी को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक संपन्न कराने की रणनीति तय। कानपुर का स्मार्ट सिटी बनाने के दावे पूरी तरह फेल। दक्षिण क्षेत्र में बर्रा, गोविंद नगर, किदवई नगर, बाबूपुरवा, चूही, नौबस्ता समेत अन्य इलाकों में सड़कें गड्ढों में तब्दील। कन्नौज के सरकारी अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें आई सामने। स्ट्रेचर के अभाव में बीमार बेटी को गोद में उठाकर भटकता रहा पिता, अस्पताल प्रशासन ने झाड़ा पल्ला। त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने जारी की गाइडलाइन, असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की बात कही। भारत में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 55,000 से ज्यादा मामले, 706 लोगों की मौत। जबलपुर में स्कूटी सवार युवकों ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा, मीडिया में खबरें चलने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर साधु संतों में भारी आक्रोश, सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। हाथरस कांड में नया मोड़, ईडी ने PFI के 4 कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने की मांगी अनुमति। प्रयागराज में कानून की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, मोबाइल चोरी के आरोप में कई युवकों के बीच सड़क पर जमकर धुनाई, बड़ा सवाल, भीड़ का ही कैसा इंसाफ। ललितपुर में 65 साल के बुजुर्ग की जमकर पिटाई, पेशाब पीने को किया मजबूर, केस वापस लेने को लेकर दबाव बना रहा आरोपी। और खबरें फटाफट में, इतना ही, देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा, सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट अनलिमिटेड मजा, सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में, सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं, अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। The power of speed. The joy of unlimited. The value for money. एक्साइटल फाइबर लाया इंटरनेट सर्फिंग का शानदार अनुभव। एक्साइटल का दमदार पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेट ऑफर सिर्फ 470 रुपए में 300 MBPS अनलिमिटेड डाटा, गीगाबाइट डिवाइस के साथ इंस्टॉलेशन पाएं सिर्फ 2500 में, डिवाइस वापसी पर 2000 रुपए पाएं वापस। 300 MBPS तक की स्पीड
अनलिमिटेड डाटा, ना बफरिंग का झंझट, ना आधी तूफान का डर। साइटल फाइबर। अधिक जानकारी के लिए अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या करें कॉल 011-33-44-77-88 पर। क्या कोई रोग बन गया है परेशानी की वजह, या लेनी है किसी बीमारी पर एक्सपर्ट की सलाह? हम कराते हैं आपकी मुलाकात नामी चिकित्सकों से, जो देते हैं आपको स्वस्थ रहने का हेल्थ मंत्र। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे हेल्थ केयर। दिन रात करते हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह, समझते हैं आपकी समस्याओं को, देते हैं विकास को रफ्तार। ये हैं आपके अधिकारी। आइए जानते हैं उनको थोड़ा करीब से, देखते हैं उनकी निजी जिंदगी के रोचक पहलुओं को, क्योंकि ये हैं आपके अधिकारी। दोपहर 12:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। प्रभु श्री राम की तपोभूमि, लक्ष्मी बाई की विरासत, कालिंजर का किला, आला उदल की शान, कजरी का मेला और खनिज संपदा की खान। देखिए जेएमडी न्यूज पर हर रोज शाम 7 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस, अब सजेगा विचार, बहस पक्ष विपक्ष।